नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मित्र सर्वमित्र द मसला में। मसला ये है कि चुनावी मौसम में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर एक टिप्पणी कर बुरे फंस गए हैं। मुख्यमंत्री की इस टिप्पणी के बाद हंगामा मच गया है राजनीति में। एक वीडियो क्लिप हम आपको दिखाते हैं जिसमें ये कहा जा रहा है कि एक कहावत के माध्यम से मुख्यमंत्री खट्टर ने कांग्रेस की अध्यक्षा सोनिया गांधी पर निशाना साधा है। पहले आप वीडियो क्लिप देखिए, फिर इस पर बात करते हैं। खोदा पहाड़ निकली चुहिया और वो भी मरी हुई। तो आपने सुना और देखा भी, ये कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री ने ये सोनिया गांधी के बारे में ऐसा बोला है। अब ये वीडियो सामने आने के बाद राजनीति में हंगामा मच गया है। कांग्रेस समेत दूसरी पार्टियों के नेता मुख्यमंत्री की इस टिप्पणी को लेकर मुख्यमंत्री पर सवाल खड़े कर रहे हैं। जो महिला कांग्रेस की अध्यक्ष हैं सुष्मिता सेन, उन्होंने एक लेटर जारी कर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को माफी मांगने के लिए कहा है। सुष्मिता सेन ने कहा है कि एक तरफ तो सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, वहीं दूसरी ओर महिलाओं का अपमान भी करती है। वहीं इस पर हरियाणा कांग्रेस की अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने एक वीडियो जारी कर कहा है कि मुख्यमंत्री की जो महिलाओं के प्रति सोच है वो बाहर आ गई है, ये ना सिर्फ सोनिया गांधी का बल्कि सभी महिलाओं का अपमान है। महिलाओं के प्रति अभद्र भाषा का प्रयोग करना माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी आपके लिए कोई नई बात नहीं है, लेकिन अभी आपने जो माननीय श्रीमती सोनिया गांधी जी के प्रति जो ओछी टिप्पणी की है उससे उनके लिए नहीं, आपने पूरे नारी समाज का एक घोर अपमान किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी आप तैयार रहिएगा, 21 अक्टूबर को ये आधी आबादी आपको करारा जवाब देने वाली है। तो कुल मिलाकर अब कांग्रेस मुख्यमंत्री को घेर रही है मुख्यमंत्री की इस टिप्पणी पर। वहीं आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नवीन जयहिंद ने इस बयान को लेकर उल्टा मुख्यमंत्री को क्या कहा वो भी आपको सुनाते हैं। किसी भी महिला के प्रति कोई भी हो चाहे महिला, वो तो सबके बराबर हूं है। तो इस तरह कहना मरी चुया ये वो ये बात शकुनी कैसे, भाई साहब शकुनी की सोच जो है वो या चीज कैसे है। तो सुना आपने राजनीति में ये सब क्या चल रहा है, मतलब हरियाणा की राजनीति में चुनावी मौसम है, असली मुद्दों की बजाय नेता लोग किस पर बात कर रहे हैं और क्या क्या बोल रहे हैं। अब और भी नेताओं के बयान सामने आएंगे, लेकिन कुल मिलाकर इस चुनावी मौसम में मुख्यमंत्री की इस तरह की टिप्पणी का खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। आपको याद होगा थोड़े दिन पहले ही एक और घटना हुई थी जिसमें मुख्यमंत्री गर्दन काटने की बात करते हैं, उसके बाद भी मुख्यमंत्री सवालों के घेरे में थे, बहुत फजीहत हुई थी। अब एक बार फिर मुख्यमंत्री की ओर से ऐसी टिप्पणी के बाद राजनीतिक माहौल जो है वो हरियाणा में गर्मा गया है और सभी जो विपक्ष के नेता हैं वो सवाल उठा रहे हैं मुख्यमंत्री की सोच को लेकर। दरअसल जो नेता होते हैं वो बोलते वक्त ये नहीं सोचते कि उनको लाखों लोग देख रहे हैं, लाखों लोग सुन रहे हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो राजनेताओं को अपना आदर्श मानते हैं, मतलब उनको फॉलो करते हैं, उनके साथ सेल्फी खिंचवाने के लिए उनके आगे पीछे रहते हैं, फोटो खिंचवाने के लिए दौड़ धूप करते हैं, उनके पीछे पसीना बहाते हैं। और नेता लोग ऐसी बात करके क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या मिसाल पेश करना चाहते हैं नेता लोग अगर ऐसा बयान देते हैं। राजनीति में बहुत सारे नेता हैं जो समय समय पर इस तरह के बयान देते हैं और उसके बाद हंगामा मच जाता है। आपको पता है हरियाणा में चुनावी माहौल है और थोड़े दिन बाद ही चुनाव होना है, ऐसे में किसी भी बड़े नेता का बयान वो सीधा भी हो सकता है और अगर वो उल्टा पड़ जाए तो उसका नुकसान भी पार्टी को हो सकता है। नेताओं को बहुत सोच समझ कर बोलना चाहिए किसी भी जनसभा में किसी भी रैली में, ताकि किसी की भावनाओं को ठेस ना पहुंचे। और खासकर महिलाओं और किसी भी वर्ग के लिए कोई भी ऐसी टिप्पणी करने से बचना चाहिए। आपको क्या लगता है दोस्तों, ये जो मसला आज हमने आपके साथ डिस्कस किया है, आप भी अपनी राय जरूर कमेंट के माध्यम से हमें लिखकर भेजिएगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको आप शेयर भी कीजिएगा और द मसला चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि बड़े मुद्दों पर हमारी चर्चा रहती है। चुनावी मौसम है, इसमें हर रोज़ कोई ना कोई बड़ी बात सामने आती है जिस पर हमारा एनालिसिस होता है, चर्चा होती है, और वो आप तक उसी समय पहुंच सके। धन्यवाद, नमस्कार।